विधानसभा किशनगढ़ वास के बूथ संख्या 195 ग्राम जेस्टिका को निर्वाचन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत लंगड़वास के बूथ संख्या 134-135 में बदले जाने पर ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि ग्रामीण विधायक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं ग्राम जेस्टिका की महिलाओं और पुरुषों ने प्रशासन व जन प्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बूथ संख्या 195 ग्राम जेस्टिका के भवन पर एकत्रित होकर शीघ्र ही बूथ को वापस कराने की मांग की। वहीं बूथ को स्थानांतरित नहीं किए जाने पर गांव के बूथ पर पूरे गांव की ओर से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करते हुए आमरण अनशन की चेतावनी दी। समीपवर्ती ग्राम जेस्टिका के ग्रामीणों ने रिटायर्ड सूबेदार रामचंद्र की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर बूथ परिवर्तन का विरोध किया और विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि राजनीतिक दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों ने जानबूझकर बूथ संख्या 195 नए बूथ संख्या 134 व 135 में परिवर्तन कर दिया गया है, जो ग्राम जैस्तिका का बूथ करीब 7 किलोमीटर दूरी पर है, जिससे कि बुजुर्ग और असहाय लोगों को मतदान करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके विरोध में बुधवार को ग्राम जैस्तिका के बूथ पर ग्रामीणों ने बैठक आयोजित कर मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ग्राम जैस्तिका की महिलाओं और पुरुषों ने गांव के विद्यालय में बने बूथ पर एकत्रित होकर प्रशासन व विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बूथ संख्या 195 को वापस ग्राम जैस्तिका में या ग्राम पंचायत मुख्यालय मोटुका में करने की मांग की। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि बूथ को वापस जैस्तिका लाया जाए, नहीं तो हमारे पंचायत में किया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। वहीं इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि कन्नीराम भोजराज, रतिराम यादव, नित्यानंद यादव, सम्मी खां, रघुवीर सिंह, विक्रम सिंह, यादराम सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हमारा विधायक, 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 जोर से बोलो, हमारा विधायक, हमारा विधायक, बीजेपी सरकार, तहसीलदार मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद, राम एक मुर्दाबाद, राम एक मुर्दाबाद। 35 साल से यही वोट डल रहे हैं, 25 साल से हमारे यहाँ निर्विरोध पंच भी चुने जाता है और यहाँ से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और हमारे बूथ को उठाकर यहाँ से दूसरी पंचायत लंगड़वास में लगा दिया गया है। इसमें या तो राजनीतिक या प्रशासनिक कोई चाल है, जिसके कारण अगर उठाना ही था तो हमारी ग्राम पंचायत मोटुका में ही लगा देते, जो कि हमारे से यहाँ कुल 500 मीटर की दूरी पर है और जो लंगड़वास है यहाँ से करीब करीब 7 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पर बूढ़े आदमी हैं, हमारे गांव के और भी माता बहनें कोई भी वहाँ पर जाने में असमर्थ हैं, इसलिए हमारा बूथ या तो यहाँ लाया जाए, नहीं तो हमारा गांव एकजुट होकर इस चुनाव के लिए बहिष्कार करेगा और चुनाव डालने हम कोई भी व्यक्ति लंगड़वास नहीं जाएंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे और जहाँ तक हमारी दौड़ धूप होगी हम प्रशासन को इस बारे में उनको जानकारी देंगे कि हम गांव एकजुट है और हमें हमारा हक मिलना चाहिए, ताकि हमें जो है यही अधिक दूरी ना जाकर अपने गांव में ही वोट डालने का अधिकार मिले। यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक के कारण से इस बूथ को ट्रांसफर कर देगा लंगड़वास, जो कि मोटू का हमारी ग्राम पंचायत है, यहाँ से ओनली 500 मीटर की दूरी पे है और यहाँ परेशानी रहती है वृद्ध महिलाओं को, बुजुर्गों को लंगड़वास जाने के लिए। 35 साल से ये बूथ चल रहा आ रहा है, आज इसको राजनीतिक कारण से इसको ट्रांसफर कर दिया गया। हमें पोलिंग बूथ हमें जेएसटी का चाहिए, अन्यथा हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। पिछले 35 सालों से यहीं पर चुनाव होते आए, ठीक है, तो अब जेस्टिका में इसी ये पहले स्कूल हुआ करता था, चुनाव निर्वाचन केंद्र भी है हमारा यही, तो यहाँ से इसको हटाकर लंगड़वास में मर्ज किया गया है, जो यहाँ से 7 किलोमीटर है। यहाँ से जाने और आने में बहुत परेशानी होगी, कुछ वृद्ध लोग हैं तो उनको ज़्यादा होगी इस परिस्थितियों में, तो यही हमारा यही विचार है। सारे गांव वालों को एकजुट होकर यही विचार किया और यही समर्थन देते हैं गांव वाले एक दूसरे को कि इसके अंदर को यहाँ से न हटाकर अगर यहीं पर मर्ज रखा जाए
कहीं और मर्ज नहीं किया जाए। अगर जो किया भी जाता है तो हमारी ग्राम पंचायत जो है मोठू का है वहाँ पर किया जाए जो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। तो हम इस चुनाव के बहिष्कार करते हैं, जब तक हमारा केंद्र यहीं नहीं आता या मोठू का मर्ज नहीं किया जाता हम चुनाव नहीं देंगे। हमारा गाँव एक साथ जुट होकर इसके लिए मत प्रयोग न करेंगे। यहाँ से 35 साल से यहीं होते आ रहे थे और हमारा बूथ जयस्थी का 195 को बदल करके लंगड़वास ले गए हैं और वो जबकि हमारी पंचायत मोठू का पड़ती है और मोठू का हमारे बिल्कुल आधा किलोमीटर नज़दीक है, वहाँ नए कर करके राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों की मिलित भगत से लंगड़वास लगाया गया है। सर इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए चुनाव का हम बहिष्कार कर रहे हैं कि हम कोई भी गांव एकजुट होकर के बहिष्कार करते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे अगर हमारा यहाँ मोठू का नज़दीक पड़ता है लगाया जाए, नहीं तो हमारा बूथ यहीं रखा जाए। यहाँ आधा किलोमीटर पड़ रही है और अब हमारा वोट डालने के लिए बूथ लंगड़वास कर दिया गया है और हम वहाँ पर वोट नहीं डालने जाएंगे क्योंकि वो कम से कम भी नहीं है, 7 किलोमीटर दूर पड़ रहा है और हमारे वृद्ध आदमी, यदि हमारे वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वह नहीं जा पा रहे हैं और हम भी नहीं जाएंगे वोट डालने के लिए क्योंकि कोई राजनीतिक या कोई प्रशासनिक या पता नहीं क्या वो हुआ है कि जिससे हमारे गाँव में ये बूथ है, ये पहले था और अब यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारा बूथ यहीं पर रहे और हम लंगड़वास बिल्कुल नहीं जाएंगे वोट डालने, हम भूख हड़ताल करेंगे और हम वोट डालने के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाथ जोड़ के निमंत्रण करती हूँ कि हमारे कोई अब मर्द नहीं है, कोई झुंडा झाड़ का रास्ता है तो हमको लंगड़वास वोट देने भेज दिया तो हम नहीं जाएंगे, हमें तबियत नहीं है जाने की। अगर मोठू के भेजते हैं तो हम पैदल भी जाकर घेर सकते हैं, लंगड़वास तो कोई भी आ जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। कम से कम भी तो 5 किलोमीटर कच्चा रास्ता पड़ता है, बीच में झुंडे भी आते हैं, तो लेडीज एक भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये जो हमारा बूथ चेंज करा है ये पूरे गांव के साथ अन्याय करा है, जिन लोगों ने कराए गलत कराए, जबकि 500 मीटर की दूरी पर हमारे ग्राम पंचायत मोठुका में बूथ है, यदि करना भी था तो वहीं करना था। ये जो जयस्थी का लंगड़बास में जोड़ा है जो 7-8 किलोमीटर दूर, ये हमारे गाँव के साथ बहुत अन्याय हुआ है। बूथ हमारा या तो यही चालू जयस्थी का ही चालू करा जाए, नहीं हम सब मतलब वोटिंग का बहिष्कार करते हैं। तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, पूरे ग्रामवासी बैठेंगे, महिला और जेंट्स सब बैठेंगे। मैं सरपंच का पिता हूँ और हम पूरे जी जान से इसमें पूरा जोर करेंगे। मैं जयस्थी का रहने वाला हूँ, हमारा बूथ 195 नंबर यहाँ से हटा करके लंगड़वास लगा दिया गया जो कि हमारे से पंचायत हेडक्वार्टर 0.5 किलोमीटर दूर है। समस्त ग्रामवासियों की अर्ज है कि हमारा बूथ को वापस यहीं लाया जाए, अगर यहाँ नहीं ला सकते तो मोठू का साथ मर्ज किया जाए, नहीं तो समस्त ग्रामवासी वोटिंग का बहिष्कार करते हैं। अगर फिर भी नहीं सुना तो हम आगे तक गवर्नमेंट के कलेक्टर तक, SP तक, जहाँ भी जाना होगा वहाँ जाएंगे। अगर सरकार ने फिर भी आपकी बात नहीं मानी हम भूख हड़ताल करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हमारा जो बूथ 195 नंबर जो बूथ है उसके ऊपर इलेक्शन 25-30 साल से क्या शांतिपूर्वक, जो पिछली लोकसभा के जो इलेक्शन थे वो भी अभी जस्ट इसी बूथ पर हुए थे, इसी बूथ पर होने के बाद में अब राजनीति के या लोकसभा उपचुनाव इसी बूथ पर हुए, हाँ इसी बूथ पर हुए थे साहब। अब इसको राजनीति और प्रशासनिक की साजिश के तहत ये बूथ लंगड़बास ग्राम पंचायत में रख दिया, जबकि ये बूथ हमारे यहाँ मोठू का पंचायत नज़दीक थी, इसके अंदर रखना था, मात्र 500 मीटर दूर है। यहाँ पानी की जो BLO ने जो रिपोर्ट दी है वो भी गलत रिपोर्ट दी है। हमारे यहाँ लाइट कनेक्शन, आल बिजली कनेक्शन जो है, पानी की टंकी वगैरह, लेटरिंग बाथरूम, जो सुविधा चुनाव में होनी चाहिए वो टोटल सुविधा आपके सामने है, वो गलत रिपोर्ट दे रहा है। अकबई बूथ के ऊपर ये सुविधाएं नहीं है BLO, और जो इस BLO ने जो रिपोर्ट दिया है या कोई प्रशासन ने हमारा जो बूथ हटाया है उनके प्रति कार्रवाई करने कार्रवाई नहीं होगी और हमारा बूथ यहाँ नहीं लाया जाएगा, तो हमारे पूरे गांव वाले एकजुट होकर धरने के ऊपर भूख हड़ताल पर बैठेंगे कि हमारा जो 35 साल या 36 साल जितना साल से वोट पड़ रहा है वो यहीं पड़ रहा है,
और ग्राम वासियों का ये कोई मत नहीं है, चाहे हमारे वो इंडिपेंडेंट काम है, वो कहीं भी बोर्ड दे कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो यहाँ का बूथ है, पोलिंग बूथ है, वो दूसरे काम में नहीं जाना था। या तो हमारी पंचायत में रहना चाहिए था या हमारा गांव में रहना था, यही हमारा गांव का मत है। और अगर ये मत नहीं हुआ, ये हमारा इरादे पर नहीं हुआ, तो हम बहिष्कार करेंगे वोटों का। सरकार नहीं मानेगी तो हम हड़ताल या जो भी कुछ है हमारे को दिखेगा वो कार्य करेंगे हम, लेकिन वोट वोट हमारा जो भी करेंगे यहाँ पर पोलिंग बूथ पर जैसे काम करेंगे। हम ही खाएं और लेडीज भी हम हमारा चाहिए, इतने काम नहीं होगा, हम भूख हड़ताल करेंगे जी।